Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Good morning, guys. कैसे हो आप सब लोग? और क्या हो रहा है? तो गी की हार्दिक दोनों नाच चुके हैं और वो तैयार हो रहे हैं यहाँ पे. मम्मी ने कहा है मुझे कि नीचे की जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर करंट आ रहा है यार, उसको देख लेते हैं. चलो, करंट आना इज नॉट ए गुड थिंग. आओ अपना यूनिवर्सल बैग उठाते हैं सुबह सुबह और चलते हैं काम पे. आओ भाई मेरे प्रिय यूनिवर्सल बैग. मुझे लगता है सबके घरों में एक यूनिवर्सल बैग ज़रूर होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है हर दो मिनट में घर के अंदर. सुबह सुबह पंच मिलेगा ये काम करके, करंट ना मिल जाए. अच्छा, वो सो रखा है गोती अभी तो. चलो पापा ये देख लें अपन वॉशिंग मशीन. तो गाइस इसको खोल लेते हैं पहले, यहीं से पता लग जाएगा अपने को कि कहां से तार शॉर्ट हो रखा है और किस जगह टच हो रहा है. तो गाइस कुछ ऐसा मामला है अंदर यहाँ पे, और जाली भी लग रखे हैं इनको, तो साफ कर लेते हैं यार अपन अंदर से. ओपन रहती है ना ये जगह, हमारे यहाँ से खुला है सब कुछ. तो यहाँ वेंटिलेशन है हमारा बहुत बड़ा, ये घर के पीछे यहीं पे वॉशिंग बे है ये पूरा. अब देखते हैं इनको खोल के यहाँ से. वैसे कहीं कोई ना कोई तार ज़रूर कटा होगा जिसकी वजह से करंट आ रहा है लग रहा है, क्योंकि करंट इससे ऊपर जा रहा है. ये कहीं से कनेक्ट हो नहीं रखा तो करंट इसमें कैसे आएगा, यहाँ पे खोल के देखना पड़ेगा. तो गाइज ये काम जो है ना, ये इलेक्ट्रिक का काम है तो सावधानी बरतनी चाहिए इसको करते हुए. और बच्चे लोगों, आप लोग तो ऐसा काम कभी भी ना करें, आपके पेरेंट्स अपने आप करेंगे, अदरवाइज मैकेनिक आ ही जाते हैं घर के अंदर. तो थोड़ा सा देख दाख के करना होता है काम. मैं तो 14-15 साल की एज से लग गया था इन कामों में, बट मेरी तो दिलचस्पी है तो मेरे को थोड़ा सा सावधानी बरतनी अच्छी लगती है. बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के ही करें. तो गाइस ये पीछे से खोल के देखा तो यहाँ पे तो कोई पंगा दिखाई नहीं दिया मुझे. अब ऊपर का जो पैनल होता है कंट्रोल पैनल, उसको और खोल के देख लेते हैं. तो ये पैनल है गाइस, इसको भी खोल लेते हैं. यहाँ पे इसके नट है. चलो, तो गाइज एक दिक्कत ये आ गई है कि ये है ना फ्री हो चुके हैं, यानी अब ये है ना फ्री है इस वक्त. अब इनको खोलने के लिए इनको तोड़ना पड़ेगा या काटना पड़ेगा. अब इनको काट दिया तो ये पूरा पैनल फ्री हो जाएगा अगर इनको तोड़ा तो मुझे एक, मेरे पास एक औजार नहीं है, वो खरीद के लाना पड़ेगा जिससे मैं इसके ऊपर कुछ छेद बनाऊँ यहाँ पर और फिर आराम से इसको खोल पाऊँ. छेद नहीं, इसको काटूँ पूरा यहाँ से. यहाँ देखता हूँ मेरे पास जो सामान उससे हो जाएगा. तो गाइज इस आरी से घिस के देखते हैं इसको, यहाँ से कुछ काम आ जाए तो ऐसे. फिर यहाँ पे ना चैनल बन जाएगा एक कि मैं स्क्रू ड्राइवर इस पर घुमा पाऊँ. देखिए गाइज ये घिस के मैंने इसमें ना एक चैनल बना दिया. अब इसे ट्राई करके देखते हैं. तो गाइज पापा करते हुए काम. फाइनली मैंने निकाल लिया. चलो बढ़िया हो गया काम. अब दूसरे की बारी, दूसरा इस वाले. तो गाइस फाइनली हमने इस चीज को खोल लिया. चलिए अब देखते हैं, उठा दे. अरे और कहीं से भी फिट हो रखा है क्या अभी? तम तू, आपको अच्छी लगती है? कितनी अच्छी? क्यों नहीं लगती तो मत खा लो. दो, ये मेरी है. ये देखिए गुस्सा इसका. तो गाइस लगभग तो कर दिया मैंने, अब इसको बंद करते हैं और देखते हैं क्या प्रोग्रेस है. तो गाइस इन मेरे पापा को देखिए, हर चीज सीधा घर पे ही ठीक करेंगे. वाह पापा, मेरे को भी करवा देना ठीक. कहाँ से करवाऊँ तुझे ठीक? मेरे को कहाँ से करवा दो?
तू ही तो कह रहा है पापा मेरे को भी करवा देना। अरे यार तूने यही बोला है। बोला मेरे को भी सिखा देना ठीक करना करवाना। ये सही है, सीखेगा तो सीख ही जाएगा। तो गाइस की गुस्सा होके यहाँ बैठ चुका है और मेरे को पता ही नहीं था, पता कब तक बैठा हुआ था। ये लग रहा है अभी है ना, जब गुस्सा हुआ था, जब ये सब चला रहा था तब गुस्से होके बैठ गया। क्या पिटाई? अरे घी की पिटाई हो गई आपकी। बैठो घी की, बैठो 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 बैठो। हाँ वेरी गुड, अब चला के दिखाओ, चलाओ चलाओ। तो गाइस रोड पे और अच्छी चलती है, अच्छी थी वो। और इसकी घंटी कुछ ऐसी है, कॉफी राइट ना आ जाए बस। इसकी घंटी है घी की, हटाई ऐसे ये तो मेरी साइकिल की है गाइस, वो वाली साइकिल की। तो गाइस अब पापा को देखते हैं क्या कर रहे हैं। पापा क्या कर रहे हो गई ठीक? बस अभी हो गई। तो गाइस देखिए मेरी एक उंगली नहीं है, बस चार है। ऐ झूठ कह रहा हूँ मैं। गाइस अगर आपको ऐसे प्रैंक करना है किसी के संग, ऐसे करो और ऐसे ऐसे हो जाएगा और ऐसे कर लो बस। मेरे पास बस चार उंगली है, देखिए गाइस। तो गाइस पापा ने जोड़ दिया है ये। तो गाइस इसका स्विच पता नहीं कहाँ गिर गया, अंदर ही छूट गया। डॉक्टर ने अपने इंस्ट्रूमेंट अंदर छोड़ दिए ऑपरेशन करके। ऑपरेशन करके वापस इसको इसका पेट फाड़ कर रहे हैं, चीर फाड़। ये रहा, ये रहा, दिखाना पापा, देना ऊपर लगा दो यहां पे आराम से। गाइस ये रहा देखिए, पापा और कुछ देख लेना कहीं भूल ना जाओ। ऑपरेशन वापस खत्म हो रहा है, सील ले गया अब इसको पेट को। चालू की कोशिश, उसका बटन एक नीचे है उधर अंदर के पर। हेलो पनी, गाइस पनी को देखिए, हेलो कह दो। हेलो 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 गाइस, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मेरा भी व्लॉग बनाओ। हाँ बना रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ, मेरा भी व्लॉग बनाओ। वैसे मुझे लग रहा है अब मैकेनिक को बुलाना पड़ ही जाएगा, क्योंकि अभी इसकी एक दो चीजें और खराब हो रखी हैं। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपकी हार नहीं हुई और वो वाली मशीन तो चली गई। बहुत डर लग रहा है पापा मेरे को ऐसे कि कहीं फोन ना गिर जाए। तो गाइस अब गिरदारी आ गया और इसको अपना एक काम और मैं अपने सिटी में दूसरे काम करके आ जाता हूँ। चलिए तो गाइस यहाँ पे है ना खाटू श्याम जी की पद यात्रा स्टार्ट हो रही है आज, तो सब लोग उमड़ रखे हैं यहाँ पे। तो गाइस आज थोड़ा सा ना शॉपिंग करनी है बेडशीट वगैरह की, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे है ना, ये देखेंगे। तो गाइस बस अभी वापस पहुँचे हैं, आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, वो मेले की तैयारी चल रही है ना खाटू श्याम जी के, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो इतना सारा सामान लिया है आज मैं, ये यार वो मोटर खोलूँगा मैं एक इसके लिए आया, ये मेरा कंफर्टर एक सेट पूरा, ये एक इस तीन होंगे पापा, दो तीन, ये तीन हो गए और ये बेड शीट होंगी एक चार पांच होनी चाहिए, दो तीन चार और पांच, ये बेडशीट हो गई डबल बेड की। अरे ये इतने सारे तूने सबको सुला दिया यार, तूने सारे सुपर हीरो को। ये तो गाइस आके थोड़ी देर सो गया था, पांच बज गए,
करीबन आधा घंटा सोया हूँ। चेंज हो गया ना दिन, तो नींद आ ही रही है इन दिनों में यार। देखिए टूल की कमी थी, टूल लेके आ गया हूँ। टूल से क्या, वो पानी की मोटर खोलनी है मुझे, वो खोल लूंगा। तो गाइज इन दिनों में जो ये होली के दिन होते हैं, इन दिनों में खाटू श्याम जी बाबा का मेला लगता है। जयपुर से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर है और पैदल यात्रा चलती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि किस तरीके से वो यात्रा की शुरुआत करते हैं वो सब, तो ऐसे ही वहाँ से शुरुआत होती है और ये बाबा जी के द्वार तक जाती है। 85 किलोमीटर दूर पैदल जाएंगे सब, वो उस झंडे को पकड़ के पैदल पद यात्रा, बहुत अच्छा लगता है। अब हमारा विचार है थोड़े दिनों के अंदर जाने का उस साइड, तो आप लोगों को लेकर चलेंगे पक्का। तो गाइस क्यों रो रहा था तू, पार्क में खड़ा हो के? गाइस ये शैतानी कर रहा है मेरे को, किंडर जॉय मैं कह रहा हूँ, बाहर की चीज नहीं खाते। ये आज ले गए थे वो है, और एक ये ले गए थे, अच्छी लग रही है। वो मोबाइल होल्डर भी लगा देते हैं कार के अंदर आज। लो पापा लो, चलो यहाँ लगा देते हैं। ये क्या, इसकी लेंथ ज़्यादा थी ना, तो ये दिखता है आपको सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं इससे कुछ मदद मिलेगी। तो गाइस फाइनली ये मैंने लगा दिए, अब इसको रख देते हैं वापस, देखते हैं कभी काम आएगा तो वापस काम में ले लेंगे, या ये माउंटिंग में काम आ जाएगा कहीं और, मुझे किसी शीशे पे अपने सेकेंड नंबर कैमरा लगाना हो तो इसको इस्तेमाल में ले लेंगे, अपने पास पड़ा ही रहेगा, अच्छी बात है। अब जिम चलते हैं। ये देखिए गाइस आती है यहाँ पे घर के पास ही में, खाना खा रहा है। तो जयपुर में गाइस काफी सारे हाथी हैं ऑलरेडी, पालतू हाथी एक्चुअली, तो मावत उनको लेके आ जाते हैं ऐसे कॉलोनी के अंदर, और अम्यूजमेंट हो जाता है बच्चों का खूब। हार्दिक भी बचपन में बैठा था हाथी में, हमारे घर के सामने ही आ गया था। अब इन दिनों में घर के सामने तो नहीं आ रहे, पर शायद अब आने लगे, क्या पता। 2 साल से तो कोरोना की वजह से कोई नहीं आ पाया था। चलिए अब मेरा जिम आ गया, स्टार्ट करते हैं जिम आज, चेस्ट करेंगे। आज यार जल्दी कर लिया वर्कआउट, मैं अपना ब्लूटूथ कान वाला लेके नहीं आया था, ऐसे मजा नहीं आता ज्यादा करने में। तो गाइज आज मेरी इच्छा थी कि मैं लहसुन का कुछ ज़्यादा खाऊं, तो मैंने लहसुन में छोक मार दिया पनीर की सब्जी का, और बिंदास बनी थी, अभी खा के आता हूँ। आज पूरे दिन भर से बाहर था, बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, थोड़ी देर सोया भी हूँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा थकान है, तो सोच रहा हूँ कि अब जल्दी से एडिटिंग करके सो जाऊँ। तो गाइज ये था आज का हमारा व्लॉग, अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय। और हाँ आने वाले वक्त पे बहुत कुछ नया होने वाला है।
हमारा साथ यूं ही देते रहिए।